आज सूरतगढ़ में जो समाज को धर्मशाला आवंटित हुई थी, नायक समाज को, वो बकायदा धर्म नगर पालिका से प्रस्ताव लेकर के प्रस्ताव पास करने के बाद हमें जगह दी गई, लेकिन इस बात की जल रखते हुए यहाँ के स्थानीय विधायक राम प्रताप कासनिया ने कलेक्टर को ये लिखा है कि जो भी समाज को धर्मशाला दी गई नायक समाज को, उसको तोड़ने का ऑर्डर वहाँ से वो निकालने का अपना प्रयास किया है। तो इसको लेकर पूरे समाज में रोष है और आज सूरतगढ़ में राम प्रताप कासनिया का पुतला जलाया गया, मुंडन भी करवाया गया और SDM को ज्ञापन भी दिया गया जो नायक समाज के साथ ने कुठाराघात किया है। नायक समाज के वोट लेने के बाद, विधायक बनने के बाद हमारी ही पीठ छुरा मार रहा है राम प्रताप कासनिया, इस बात का ख्याल रखे। तो नायक समाज सर्व से हम अपील करना चाहते हैं समाज के जिम्मेवार अध्यक्ष होने के नाते कि जहाँ भी राम प्रताप कासनिया आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके घर में आए, तो उससे इस बात का जवाब मांगा जाए कि आपने नायक समाज की धर्मशाला को तोड़ने का ऑर्डर क्यों दिया, क्या नायक समाज के प्रति आपकी द्वेषता है, क्या नायक समाज के प्रति आपकी जलन है, क्या आप नायक समाज को बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते। तो राम प्रताप कासनिया का इस बात का खास करके जवाब मांगा जाए। जहाँ भी तहसील, आपके गाँव, आपकी पंचायत में पहुंचे, तो राम प्रताप कासनिया ने हमारे साथ धोखा किया है। तो सभी नायक समाज इस बात को ध्यान रखें और इस वीडियो को आगे से आगे पहुँचाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय नायक समाज।